पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कौशाम्बी में प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद मांगलिक कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी हर्ष फायरिंग की वारदात में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची करारी पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया। उधर खुशियों वाले घर में हर्ष फायरिंग के चलते मातम का माहौल है। करारी थाना क्षेत्र के बैशकाटी गांव के रहने वाले छेद्दू के यहां तिलक का कार्यक्रम चल रहा था, और इसी दौरान लड़के पक्ष की तरफ से आए रवि प्रकाश ने हर्ष फायरिंग करने के लिए 2 नाली बंदूक में गोली भर रहा था, लेकिन अचानक बंदूक से फायर हो गया, जिसकी चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फायरिंग होने के बाद कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ मच गई और इसकी सूचना किसी ने करारी पुलिस को दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने प्रयागराज रेफर कर दिया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बंदूक निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुर्सी पर बैठा था, ऐसे रखे थे और तुरंत उसको उठाया। तो कितने लोग घायल हुए? 4 लोग। वहाँ पे तिलक हो रहा था, वहाँ पे लाइसेंसी रखी थी, तो वहीं बगल के थे, घर के थे, तो वहीं अपना फायर किए तो बगल में खड़े थे, अचानक मालूम नहीं कैसे हो गया, कोई छर्रा वगैरह लग गया। थाना क्षेत्र करारी में आज एक तिलक का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एक व्यक्ति जिसके पास असलाहा था उसने उसको भरने का प्रयास किया और उसको सही तरीके से भरना नहीं आता था, उसमें फायरिंग हो गई और 4 लोग उसमें घायल हैं, सभी घायल खतरे से बाहर हैं। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, असलाह निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है और जो विधिक कार्रवाई और होगी वो संपन्न की जाएगी। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।